अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नोबल एकेडमी। आज हम लोग दोस्तों स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट। आप सबको पता है अकाउंट में दो पार्ट है, पार्ट वन और पार्ट टू। हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट वन। पार्ट वन में हम लोग चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले ये ज़रूरी जान लेते हैं हम लोग कितने मार्क्स का है। 6 मार्क्स का है सर। 6 मार्क्स का कहाँ कहाँ पर पूछाएगा? सेक्शन ए में पूछाएगा 1 मार्क्स का, सेक्शन बी में पूछाएगा 1 मार्क्स का, और सेक्शन डी में पूछाएगा 4 मार्क्स का। अब हम लोग सेक्शन डी में जो 4 मार्क्स का सम आने वाला है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उसकी डेफिनेशन, गुडविल क्या है। तो हम लोग सबसे पहले समझे एकदम सिंपल लैंग्वेज में, गुडविल इनटेंजिबल असेट्स है। कौन सी असेट्स है? इनटेंजिबल असेट्स है। गुडविल क्या शो करती है? रेपुटेशन शो करती है मार्केट में। क्या शो करती है? रेपुटेशन। ओके सर, गुडविल रेपुटेशन शो करती है मार्केट में, इनटेंजिबल असेट्स है। बट गुडविल किस पे डिपेंड है सर? तो गुडविल हमारी फार्म की प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी पे डिपेंड है। जो फार्म की प्रॉफिट कमाने की, प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो उसमें गुडविल ज़्यादा होती है। जो फार्म की कैपेसिटी कम होती है प्रॉफिट कमाने, प्रॉफिट अर्न करने की, या जो फार्म लॉस करती है उसकी गुडविल बिल्कुल कम या ज़ीरो होती है। ओके, तो देखो गुडविल किस पे डिपेंड करती है? प्रॉफिट अर्न करने पर। ओके, और जिसमें लॉस होता है उसकी गुडविल कैसी होती है? कम होती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे मेथड्स देखेंगे। 5 मेथड है। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड सुपर प्रॉफिट मेथड मोस्ट टाइम पी, 4 कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, और हम लोग इसको 5 नंबर दे सकते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो टोटल 5 मेथड है। आज हम लोग फर्स्ट मेथड का फॉर्मूले सीखेंगे और उसके बाद उसका ही सम गिनेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग आज एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला सीखेंगे और उसके बाद उसका एक सम गिनेंगे, ठीक है। तो दो स्टेप गिनने हमारे को। फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। टोटल प्रॉफिट गिवन ईयर डिवाइड नंबर ऑफ ईयर, सिंपल सा है। हमको सम ईयर्स दिए होंगे, उसके प्रॉफिट दिए होंगे, उस सब प्रॉफिट का हम प्लस करेंगे, उसके नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड। सर एक क्वेश्चन है, कई स्टूडेंट को क्वेश्चन होगा, सर बाय चांस लॉस दे दे तो लॉस देंगे तो हम लोग माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो हम प्लस कर देंगे, और लॉस होगा तो हम लोग माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमको क्या मिल गया? एवरेज प्रॉफिट। कई स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन होगा, सर हम लोग जैसे मीन ढूंढते ऐसे ही ढूंढना है। हाँ, मीन वही वैसे ही ढूंढना है हमारे को। ओके, सेकेंड गुडविल स्टेप नंबर 2 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम ऊपर से लेकर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में सब में दे दिए होंगे, आपको ओनली फॉर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। एवरेज प्रॉफिट ऊपर से लेकर आओगे, सब में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिए होंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिल जाएगा? गुडविल। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। आप सबसे पहले यहां पर वीडियो स्टॉप करिए, आपको PDF सेंड की है उसमें से इलस्ट्रेशन नंबर 2 शांति से आराम से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद मेरे साथ साथ ही सम गिनो। ओके, आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 2 उसका क्वेश्चन पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। ओके, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें आपको रेशियो दिखा होगा, रेशियो, ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, तो ना ओल्ड रेशियो को कंसीडर करना है ना न्यू रेशियो कंसीडर करना है, ठीक है। ओके, हम लोग स्टेप शुरू कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपको यहां पर देखिए 4 ईयर्स दिए, कितने ईयर्स दिए? 4 ईयर्स। फर्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट दिया है, सेकंड ईयर आपको प्रॉफिट दिया है, थर्ड ईयर आपको लॉस दिया है, और फोर्थ ईयर आपको प्रॉफिट दिया है।
तो टोटल प्रॉफिट, तो जितने भी ईयर्स दिए होंगे सबके प्रॉफिट का प्लस करेंगे, फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकेंड ईयर 1,20,000, थर्ड ईयर 40,000 लॉस दिया, इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे उसको, 40,000 को ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि जो भी माइनस अमाउंट आती है उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस 60,000, ओके 1, 2, 3, 4, तो डिवाइड हम लोग कितना कर देंगे 4, 1 लाख प्लस 1,20,000, 2,20,000 माइनस 40,000, 1,80,000 प्लस 60,000, 2,40,000 डिवाइड 4, इक्वली कितना आ गया 60,000, एंड स्टेप नंबर 1 हमको एवरेज प्रॉफिट मिल गया, स्टेप नंबर 2 एवरेज प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर पर। आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 2 का क्वेश्चन रीड किया, ओके आप लोगों ने देखा होगा अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया होगा, न्यू रेशियो भी दिया है, ओल्ड रेशियो भी दिया है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सर क्यों कंसिडर नहीं करेंगे? क्योंकि हमको प्रॉफिट, खाली प्रॉफिट लेना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज ध्यान में लेना है, उसके अलावा ध्यान में कंसिडर करना नहीं है। अब हम लोग दो स्टेप में सम गिनेंगे, स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट इक्वली टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स, तो अंदर हमारे 4 ईयर्स दिए, फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकेंड ईयर 1,20,000, थर्ड ईयर हमारे को लॉस दिया है, लॉस हमेशा ब्रैकेट में शो होगा, इसके लिए हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे 40,000 प्लस 60,000 डिवाइड 4, 4 कैसे 1, 2, 3, 4, एक 1 लाख प्लस 1,20,000 2,20,000 माइनस 60,000, 2,20,000 में 40,000 माइनस करेंगे 1,80,000 प्लस 60,000 2,40,000 1, 2, 3, 4 डिवाइड 4 से करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ 60,000। स्टेप नंबर 2 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट हम लोग ऊपर से कॉपी कर लेंगे 60,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज। आपको एग्जांपल के अंदर क्वेश्चन में अगर आपने रीड करा होगा तो परचेस ईयर्स दिए होंगे, तो अब ध्यान से देखो परचेस ईयर कितने दिए वहां पर 5, ये ईयर्स 1, 2, 3, 4 ऐसे डिसाइड करेंगे और नंबर ऑफ परचेस ईयर आपको अंदर दिए होंगे कितने दिए हुए 5, 60,000 मल्टीप्लाई 5 इक्वली गुडविल हमारी कितनी आ गई 3 लाख, ओके। अब हम लोग इसके जैसे सम करने के लिए आपको पीडीएफ सेंड करी हुई है, आप उसमें से देख के सम गिन सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड हम लोग लेंगे वेटेज एवरेज मेथड, ठीक है, ओके।